नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि लव जिहाद और दूसरे धर्म में शादियां करने के मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब दो धर्मों के बीच में शादी करने वाले लोगों को अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करनी होगी, यानी कि अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करते वक्त दोनों लोगों को जो अपनी जानकारी देनी होती थी और सक्षम अधिकारी इस बारे में एक नोटिस देता था जिसमें अगर किसी को आपत्ति हो तो वो आपत्ति कर सकता था, अब ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा कि ये निजता का उल्लंघन है और दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ ये क्रूरता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाह अधिनियम की 6 और 7 धारा को भी गलत बताया और कहा कि जिस तरह से लोग इसका नाजायज फायदा उठाते थे वो दो लोगों की निजता और स्वतंत्रता के खिलाफ उठाया गया कदम है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सिमरन और अभिषेक पांडे की शादी के मामले में हैवियस कार्पस लगाए जाने के बाद किया। अदालत ने कहा कि अगर चाहे तो सक्षम अधिकारी दो शादी करने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकता है, यानी उनका सत्यापन कर सकता है कि क्या ये वही लोग हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, ना ही नोटिस लगाई जा सकती है ताकि उनके जानने वाले अगर आपत्ति करना चाहें तो कर दें। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि अगर कोई दो अलग अलग धर्म के लोग या अलग जाति के लोग कोर्ट में शादी करना चाहते हैं तो उन्हें 1 महीने तक की उस नोटिस का सामना करना पड़ता था जिसमें ये कहा जाता था कि अगर इस शादी को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दो बाली लोग नहीं चाहते हैं तो ऐसा करना न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता पर प्रहार है बल्कि उनकी निजता का भी उल्लंघन है। अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, ऐसे में किसी तीसरे की दखल या रजामंदी की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला उस वक्त दिया है जब लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है और उसमें तमाम तरीके के नियम कायदे कानून लागू किए गए हैं। ऐसे में ये राहत देते हुए उन कपल्स के लिए बड़ी राहत की बात है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको अपनी जानकारी सार्वजनिक होने का डर रहता है, अपने जानने वाले, अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों, उन लोगों को जानकारी होने का डर रहता है और इसी के चलते वो कई बार अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। बहरहाल कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए ये फिर एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासक लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इसको तय करें, लेकिन इसको फौरन ही लागू किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसको अब कानून की किताबों में दर्ज कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम उन कपल्स के लिए राहत की बात है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे और इसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही थीं। ऐसे कई मामले भी सामने आए जिसमें जानकारी होने के बाद परिचितों, रिश्तेदारों ने और घर के लोगों ने शादी पर आपत्ति जताई और उनकी शादी को मान्यता नहीं मिली, जबकि मौलिकता का अधिकार ये कहता है कि अगर कोई दो बालिक आपस में शादी करना चाहते हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है तो किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ऐसे में इस तरह का कानून बेमानी है और इसका कोई भी इस्तेमाल गलत है। तो यूपी में इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला ऐतिहासिक है और सालों साल तक याद किया जाएगा और ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। तो इस नए कानून पर यूपी तक की ये थी खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।